सो गाइस 1 जनवरी 2024 से NPCI के टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट आने के बाद हमारे कुछ CSP संचालकों को NPCI के नए प्रोसेस के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिकली प्रत्येक ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग को फिंगर कैसे लगाना है। जबकि कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि क्या बैलेंस इंक्वायरी करते समय मिनी स्टेटमेंट निकालते समय भी हम लोग को फिंगर लगाना पड़ेगा। जबकि कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि मान लीजिए हम लोग का तो फिंगर अगर 3 बार मैच नहीं करता है तो हम लोग का AEPS 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन अगर ग्राहक का फिंगर मैच नहीं करता है तब क्या होगा। और साथ में AEPS से कैश विड्रॉल करते समय NPCI के नए अपडेट के आने के बाद आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रख करके कैश विड्रॉल का काम करना है जिससे कि आप लोगों का AEPS भी ब्लॉक ना हो और साथ में आप सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन भी कर सकें। इस वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं, साथ में आपके सामने लाइव कैश विड्रॉल भी करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर 300 रुपये का भी SBI में कैश विड्रॉल किया है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का ये सवाल था कि भाई जो है बैलेंस इंक्वायरी करते समय या मिनी स्टेटमेंट निकालते समय CSP संचालक का फिंगर जो है लगाना पड़ेगा या फिर नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मैं बैलेंस इंक्वायरी करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने सारा डिटेल यहां पर फिल कर दिया बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है, वैसे यहां पर कस्टमर का फिंगर स्कैन मैंने करवाया। ठीक है, जैसे फिंगर स्कैन हो गया तो यहां पर डायरेक्टली यहां पर बैलेंस शो कर दिया, यानी कि यहां पर जो है CSP संचालक के फिंगर की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर CSP संचालक के फिंगर की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि केवल बैलेंस इंक्वायरी करने से या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालने से किसी भी ग्राहक के साथ किसी भी कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं किया जा सकता है। फ्रॉड तो तब किया जा सकता है जब उसके साथ कैश विड्रॉल किया जाए, इसलिए कैश विड्रॉल करने के लिए CSP संचालक के फिंगर की जरूरत पड़ती है, तब कैश विड्रॉल होगा। यह NPCI का नया अपडेट है, इसके बारे में हर एक किसी को पता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहां पर कैश विड्रॉल करके दिखाता हूं। अब कैश विड्रॉल करते समय आप लोगों को कब फिंगर लगाना है, तो बेसिकली यहां पर आप लोगों को सारा डिटेल फिल कर लेना है। सारा डिटेल फिल करने के बाद कस्टमर का यहां पर फिंगर लगवाना है और जैसे ही कस्टमर का फिंगर लगवाएंगे तो आपके सामने एक नया जो है कि डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। लिखा हुआ है न्यू चेंज इन AEPS, नीचे लिखा हुआ है NPCI के नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक नकद निकासी लेन देन के लिए अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए। ठीक है, साथ में नीचे लिखा हुआ है हाउ इट इज वर्क। ठीक है, ऑन द फर्स्ट लॉगिन, यानी कि आप लोग को पहले लॉगिन करते समय जब भी आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो पहले लॉगिन करते समय आप लोग को फिंगर लगाना पड़ेगा, जबकि आप लोगों को जो है कैश विड्रॉल करते समय भी फिंगर आप लोगों को लगाना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग को ये जब भी प्रोसेस कर रहे हैं तो आप लोगों को 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला चीज, अब देखिए ये सर्दी का मौसम चल रहा है, अगर आप देहात क्षेत्र में हैं ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे भाई लोग होते हैं जो भी गाँव के लोग होते हैं, ठीक है, जिनका भी आप कैश विड्रॉल का काम करते हो, मे बी उनका फिंगर थोड़ा सा भाई इस समय भाई काम जानते हो खेती किसान वाले आदमी हैं तो उनका फिंगर थोड़ा सा भाई दूसरे टाइप का हो जाता है। तो आप लोग नीट एंड क्लीन करवा कर ही फिंगर लगवाइए, क्योंकि देखिए जब आप एक बार फिंगर लगवा देते हैं, ठीक है, स्कैनर पर, तो स्कैनर उसे स्कैन कर लेता है। इसके बाद आपका आधार नंबर मांगा जाता है, ठीक है, आपका आधार नंबर देने के बाद जो है कि आप अपना फिंगर लगाते हो। इसके बाद अगर ग्राहक का फिंगर मैच नहीं करता है तो उस समय तुरंत लिख देगा बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच। अब आपका आधार नंबर फिल करना, उसका आधार नंबर फिल करना, उसका बायोमेट्रिक लगाना, आपका बायोमेट्रिक फिंगर लगाना, ये सारा का सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए जो भी आप ट्रांजेक्शन करें तो आप लोग जिस भी ग्राहक का फिंगर लगाए उसका जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे कि एक बार में ही उसका जो है फिंगर एक्सेप्ट कर ले और आप लोग को तकलीफ भी ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, कई सारे डिटेल यहाँ पर दिया गया है NPCI की तरफ से, और नीचे लिखा हुआ है कि जब आप जो है कन्फर्म कर देंगे अपना आइडेंटिटी, यानी कि आप अपना फिंगर लगा देंगे, तब वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यहाँ पर देखिए कुछ सवाल दिए गए हैं, कुछ सवालों के आंसर भी दिए गए हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे सवाल जो है मेंशन किए गए हैं जो आप लोगों के मन में इस प्रोसेस से रिलेटेड जो है कि सवाल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन BC एजेंट बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, तो उसके साइड में आप नीचे क्लिक करके उसका आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे सवाल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, आप लोग को बहुत सारे सवालों का यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ विच बैंक विल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन, ठीक है, यहां पर भी आप लोग नीचे क्लिक करके इसका जो है आंसर आप लोग देख सकते हैं। ये सारा कुछ रीड करने के बाद सिंपली जो नीचे लिखा हुआ है आई अंडरस्टूड, ठीक है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, इस नए पेज में आप लोगों को जो है अपना डिटेल देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आई अंडरस्टूड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है टू कम्प्लीट दिस ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट योर सेल्फ, यानी कि इस ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको, यानी जिसके नाम से CSP है उसे खुद को ऑथेंटिकेट करना होगा अपना आधार
नंबर डाल करके और साथ में फिंगर स्कैन करके, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिसके भी नाम से CSP रहेगा, ठीक है, जिसका आधार कार्ड लगा रहेगा उस CSP के लेने के लिए, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर शो कर देगा इंटर आधार नंबर टू रामानुज। यहाँ पर ये मेरे नाम से देखिए ये CSP है तो मेरा नाम यहाँ पर शो कर रहा है, अगर आपके नाम से CSP होगा तो आपका नाम यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर सिंपली जो भी आपका बायोमेट्रिक मशीन है बायोमेट्रिक मशीन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंसेंट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आधार कार्ड डिटेल डालेंगे और आधार कार्ड डिटेल डालने के बाद सिंपली स्कैन पर क्लिक करेंगे और आपका जैसे यहाँ पर फिंगर स्कैन कर लेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 300 रुपये का जो कैश विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को यही चीज़ों को ध्यान में रखना है, जब भी आप लोग कैश विड्रॉल करें तो जो ग्राहक है उसका फिंगर नीट एंड क्लीन होना चाहिए और साथ में आपका भी फिंगर क्लीन होना चाहिए, जिससे कि आप लोग को परेशानी ना हो, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन करते समय आप लोगों को करीबन एक से डेढ़ मिनट से ज़्यादा का समय लग सकता है, ठीक है। पहले था, पहले बहुत आसान था कि सिंपल आप लोग आधार इंटर करते थे, ग्राहक का फिंगर लगा करके पैसा निकाल लेते थे चुटकियों में, ठीक है, लेकिन अब वो प्रोसेस नहीं रह गया। तो आई होप कि आप लोग को इस प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।